हेलो गाइस, वेलकम वेलकम बैक टू द चैनल अगेन। सो गाइस, मैं रीना खत्री आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ हमारे चैनल रिएक्शन पे। तो भाई आ गई हूँ मैं आज एक और धमाकेदार सी वीडियो पे, रिएक्शन वीडियो लेके। तो भाई अमित सैनी रोहतकिया भाई का गाना आया जलेबी सा जुड़ा विद अंजलि राघव, फीचरिंग में है। खैर वो तो देखते हैं, एक बार क्रेडिट्स देख लेते हैं। और गेस व्हाट ट्रेंडिंग पे चल रही है भाई वीडियो, एंड आई एम रियली हैप्पी फॉर द ब्रदर। वही वाली बात है, अब जो कंटिन्यूटी में मेहनत करते हो तो आपकी मेहनत जरूर रंग लाती है। और ये कोई पहली बार भाई की वीडियो ट्रेंडिंग में नहीं है, वो आती ही रहती है। तो फीचरिंग में अमित सैनी रोहतकिया एंड अंजलि राघव, सिंगर अमित सैनी रोहतकिया, लिरिक्स बाय सुमित बिलमिया। वाओ बढ़िया है, मतलब अमेजिंग कॉम्बिनेशन। म्यूजिक बाय गुलशन म्यूजिक, डायरेक्टर बाय जीतू जी, एडिटर मोंटी एंड वट्स रिकॉर्ड्स के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे गाना आया है। एंड अब सुनते कैसे क्या रहने वाला गाना ट्रेंडिंग लिस्ट पे है। वैसे भाई के तो मेरे को सारे गाने बढ़िया लगते हैं भाई, चाहे वो ट्रेंडिंग लिस्ट पे हो या ना हो, पर इस वाले में तो कुछ और मतलब नेक्स्ट लेवल ही मिलने वाला मेरे को। ऐसी वाइब भी आ रही है, यू नो। तब बहुत दिनों के बाद गाना रिएक्ट कर रही हूँ मैं, और मेरे को पता आप लोगों को काफ़ी शिकायतें होंगी मेरे से, क्योंकि इस महीने में काम बहुत कम आया मेरा, लेकिन आई एम बैक नाउ। अब आपको कंटिन्यूटी में वीडियो मिलेगी। सो फटाफट देखते हैं, एक बार देख लेते हैं कैसे क्या रहने वाला है वीडियो में। करते हैं वीडियो स्टार्ट, लेट्स गो। म्यूजिक भी बड़ा बढ़िया है। गाना बढ़िया है, नेक्स्ट लेवल सॉन्ग बिल्कुल। बहुत दिनों बाद कोई ऐसा गाना सुनूंगी बिल्कुल लिटरली नाचने का मन कर रहा है। बढ़िया भाई, मतलब वाइब है सॉन्ग में, स्टोरी लाइन तो होती है आपको पता है। हाँ भाई, कौन है यू, क्या चल रहा है? एक बात कान खोल कर सुन ले,
इन छोरे चकरा मना पड़ा है ना, फिजिकल पढ़ना फिजिकल, बाकी मेरे पर छोड़ दे, इनके घर हाला था मैं बात कर लूंगा। अच्छा पापा थे वो इसके? अच्छा मेरे को तो पता ही नहीं लगा ना, पहले तो मेरे को लगा कि वो जो अंजलि राघव है जो वीडियो में उनके फादर है, उसके बाद मुझे लगा, फिर मेरे को पता लगा वो जब ऐसे रिएक्ट कर रहे थे कि यार उनके भी फादर नहीं थे, लास्ट में पता लगा है कि वो फादर जो प्रिटेंड कर रहे थे मतलब फीचरिंग में थे वो अमित सैनी भाई के थे। ओके मैं अभी तक कहूँ ऐसा कौन आया गाने में जो भाई को पीट गया स्टोरी लाइन में तो खैर भाई ये थी वीडियो एंड अमेजिंग वर्क, वड़ा म्यूजिक वड़ा लिरिक्स सुमित बिलमिया ने लिखे हुए थे, लिरिक्स तो ऑफ कोर्स बढ़िया होने थे, मज़ा आया भाई मेरे को, मैंने पहले भी गाना मतलब कोलेब्रेशन में काम देखा इनको एंड अमेजिंग था। ये तीन चार कलाकार जब मिल जाते हैं ना तो डेफिनेटली कुछ नया बना देते हैं। अंजलि राघव के साथ मैंने पहली वीडियो देखी है अभी तक तो उनकी, और पता नहीं शायद बहुत पहले आई हो, लेकिन हाल फिलहाल में कोई गाना मिस हो गया क्योंकि भाई के है ना बैक टू बैक बहुत सारे सॉन्ग्स आते रहते हैं, एक सॉन्ग नहीं आता। तो मैंने बहुत दिनों के बाद राघव अंजलि राघव का काम देखा है पहले, वरना हरियाणा इंडस्ट्री में जब इतना बोलबाला नहीं था, मतलब अब जितनी हाइप क्रिएटेड है जितनी जिस मुकाम पे आज हरियाणा इंडस्ट्री है पहले इतना मतलब नहीं था उस टाइम पे, ज़्यादा पॉपुलर थी वो हरियाणा साइड अंजलि राघव, तो बढ़िया पुराने कलाकारों का तो वही वाली बात है एक्टिंग, उन्होंने तो उस वक्त पर स्ट्रगल किया था जब कुछ था भी नहीं इतना, तो अब तो वही बनता भी है, तो मतलब कुल मिला के बढ़िया था, स्टोरी लाइन अमेजिंग थी, गाने की तो पूछो ही मत कितना बढ़िया था, मेरे को बताने की जरूरत नहीं है, म्यूजिक वॉज समथिंग, मेरे को म्यूजिक बड़ा पसंद आया जिस तरीके से, मतलब यू नो आप बिल्कुल झूम जाओगे, गाना झुमा देगा आपको, और कैचीनेस इतनी थी एक बार सुनते ही बार बार ऑन रिपीट पे गाना सुनोगे, ऐसा गाना है और यही रीज़न है कि ट्रेंडिंग लिस्ट पे है बाइबल की। मेरे को तो सारे गाने बहुत बढ़िया लगते हैं भाई के, मेरे अकॉर्डिंग तो सारी ट्रेंडिंग लिस्ट पे जानी चाहिए, लेकिन एक आध चीज़ वही वाली बात है बिल्कुल लाइफ पे चढ़ जाती है, तो और वैसी वैसी भी नहीं, बिल्कुल क्वालिटी चाहिए, वो क्वालिटी थी वही गाने में, मज़ा आया गाना सुन के। एंड आप लोगों को कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज, मिलती हूँ कल एक और धमाकेदार सी वीडियो के साथ, तब तक के लिए गाइज गुड बाय।